वन जलेबी नन, मुझे याद नहीं है बस इतना। और ये आइसक्रीम क्यों पिघली है, इसका मकसद आपको सुनाया, हम बातों में थोड़े उलझ गए थे, गुफ्तगू ज्यादा चल गई हमारी। गुफ्तगू। अफगानिस्तान के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? अफगानिस्तान, हाँ दोबारा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान खान, अफगानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पठान लोग रहते हैं। जी हाँ, अफगानिस्तान का क्रिकेट टीम है, तो उसमें पाकिस्तानी कोचेस भी रहते आए हैं उसमें। आज आप लोग अफगानिस्तान की कुछ मशहूर चीजें खाएंगे। वाह भाई, एक तो मैंने सुना है कि पठानों का बहुत बड़ा रोटी होते हैं, वो रोटी नहीं लेके आना हम खा नहीं सकते, मगर वाह क्या खुशबू है इसमें। हाँ जबरदस्त खुशबू से थी। गाजर, और ये हम इसको बोलते हैं डाक, सूखा अंगूर है, इसके नाम है काबुली पुलाव। अशार से अफगानिस्तान ने बिल्कुल काबुल से मशहूर अशार था मुझे, काबुली खंदारी छदीरी, ये उनकी कॉमी डिश है। चलो पता तो चलेगा अफगानिस्तान की कॉमी डिश हमने खाया है। दोस्तों जब तक मैं ये खा रहा हूँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप राधा से बात करो, राधा सवाल नहीं है ना बेचारे, सवाल जो आप पूछो। दाना खुदा कटी नन आई चो फर्क ना नन अनु की ना दादे पर सादा आ किस में जाते बलूची पास था, बिलावी पास था, अवानी पास था, दाना ना मुझे कहूँ मिटा बरी यानी पगे था सिंधी करना दे मचे वो बात मचे कई तरीका के रहता रंग है तेरा बिरानी तेरा दिशा तेरा। अफगानी लोग ज़्यादातर गोश्त खाते हैं, खुश गोश्त का मतलब है पट्टव जो नहीं होता, सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं माश के दाल के साथ, गजब का बनता है और वो आपको सर्दियों से बचाता है और इंतहाई गर्म होता है। काबुली पुलाव का मतलब है काबिल, काबिल शख्स या काबिल खान सामा ही इसको बना सकता है। इसके काबिल है भी नहीं, कहाँ से नसीबा बनाएगी, खाने के तो काबिल हूँ, खाने की है चलो कोई नहीं, एक काम तो कर सकती हूँ। आम बंदा जोड़ करने के पैदा जी या नीरे से बात करो लग या बे से बात करो ठट आओ आम बंदा काबिल अफदाना। अफगानिस्तान में लड़की की मंगनी होने वाली होती है तो उसके लिए ये लाजमी है कि वो ये डिश सही तरीके से बना सके। भाई हमारे हम तो कोई नहीं बना सकते, शादी करके बैठे हैं, उनके इनसे मंगनी नहीं हो रही। हाँ भाई हो सकता है, उन लोगों ने कौमी डिश कहा है तो लाजमन करेंगे ना इसकी इज्जत के खातिर। चुनाना लुम्मा चाय चुना खाना मुझे काबिल मस्क बुरा वो दे खाली एक डिप्टी दिए इरक में दी ना यार खाना अंके ना पेश तुम पेश सियाल से ना अंके ना इन्हों शकान से फंस मैंने खुल के डालना थी ना थी ना काबिल मरे। बहुत ज़बरदस्त लगा, बेहतर से बेहतर लगा मुझे। इसमें ये मीठी मीठी चीज मिलाई है, पुलाव बहुत अच्छा बना है, बेहतरीन जबरदस्त, क्योंकि मैंने इतना खत्म कर दिया है तो बेहतरीन ही था। अल्हम्दुलिल्लाह बाज घिसे बाज घिसे दादे नाना जिंदा करे लू कुंगू लू दार खाली जबरदस्त फसल लगा अल्हम्दुलिल्लाह ये रगज खाने में बेदीर तक हम चट सालन वगैरह इसके अंदर ही है, जैसे कि फिल्मों में बोलते हैं मम्मी मेरे लिए आलू का पराठा बनाना, मेरे हिसाब से वही पराठा होगा। अंदर पता नहीं क्या मटेरियल है, आलू है, धनिया है, पता नहीं कीमा डला हुआ है या क्या। इसका नाम है बोलानी। कहीं पराठा के मुताबिक बना लेते हैं जी, आलू भी इसी के अंदर है, आगे जहाँ दिल नहीं चाहे तो इस तरह काम, अगर इस तरह दिल नहीं चाहे तो इसके साथ डिबो के काम। सूखी रोटी बहुत मजे किया। ये नॉर्मल सा खाना है, अगर आप नाश्ते के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी खाने के तौर पर भी, क्योंकि इसमें अंदर मटेरियल रखा हुआ है तो आपको सालन की कोई जरूरत नहीं है, और इसमें है तो वो खा ले। अभी नतीबा बातें करे, मैं इसको खा लूं। खींच के रख बेटा, तेरे बाप का माल है, इतना मीठा होता था मेरे को नसीबा नहीं देती। दुनिया भर की खबरों में अफगानिस्तान का जिक्र जरूर रहता है, जिस तरह के वहाँ पे हालात रहे उस हिसाब से होना चाहिए, दुनिया इनके हालात से बाखबर रहना चाहता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या कर रहे हैं,
अफगानिस्तान में जो बॉडी बिल्डिंग के सेंटर हैं, वहाँ पर ना आर्नल्ड की तस्वीर बहुत आम है। वहाँ के लोग कहते हैं कि आर्नल्ड बिल्कुल अफगानी लगता है। आर्नल्ड का बड़ा नाम है, हम उनके कदरदान हैं भाई, हमें काफ़ी पसंद है वो। उसके फिल्म बहुत अच्छी, ज़्यादातर फाइटर वाली उसकी फिल्म। फ़कीर पिंडा पिंडा बोलू रिचा सुनी तो था, शाजिर पिंडा पिंडा जरा सीजन मिल रहा था बस, शेख आसिर खाचा बोलू रहा मालिक खाचा नहीं, ए खाचा नहीं सीधे अल्फ ए खुल ले तो खुंग खुंग तेरा बाई पाक करे फादे था रिच तुंगा ल सक मुँह जाए रिच चला खुश रहा था। फ़कीर दे समा कर बज गिरा देर पे वो सीख का फूस तुम करे वो रिच चल बा चल पे लड़ते रिच जोड़ कर फिर स्वीट पहला थी सोचता अफगानिस्तान अफगानिस्तान खुराक था ना बिंगो लू गिरा दम लू खुराक मफस था। बहुत अच्छा लगा मुझे, बेहतर से बेहतर लगा मुझे। ब्रेड साथ में प्लेट बहुत अच्छी लगी। ये कटोरी, ये कटोरी भी बहुत अच्छी, दही की। ये बकरे के कान है, ये देखो कच्चा समोसा है, अंडे का बना हुआ है, पता नहीं क्या ये ऊपर तो चीज है मुझे लग रहा है। अरे ये प्लास्टिक है क्या? मैंने चुनाई उगड़ा से हो गया खबर में इलाका सी है क्या? इसके नाम औशाक है। पोशाक माने कपड़े। कच्ची गोभी के पत्ते हैं और क्या होगा? इसको पान की तरह खाते हैं ना। ये भी सफेद, उसको बनाए वो भी सफेद। ऐसा लगा ये कच्चा कच्चा लग रहा है। ना ना मेरा एक बार भाई गोली से ना खास अमोलो हिसाब से मनो तो दादी ना फराग ना बड़ा आप बिल्कुल कच्चा कच्चा सा लग रहा है ना। ये समोसे की तरह पका हो और ऊपर दही हो अंदर गोभी की सब्जी। अफगानी भाई तरक्की कर गए हमसे, हमारे पास इतने वैरायटी के पाकिस्तान में मुझे नहीं लग रहा इस तरह की। अभी हमारी ये कानूड़ा आता है उसमें हम लोले पचाते हैं वही ऐसे ऐसी तरह मीठी रोटी बना देना। हमारी अभी जो रक्षाबंधन आ रही है उस पर हमारे में बनाते ऐसे रोटी। मैंने मेहमान नवाजी से तो बन लो दीन से तो बन लो। मैंने ये मेहमान नवाज हैं लेकिन अगर खाने पर है वो आपको नहीं कहेंगे भाई आ जाओ मनुष्य खा लो, वो आपको डायरेक्ट जाकर बैठना है उनके साथ, वो कभी सलाह नहीं मारते और आप अगर बैठोगे आपको उठा कर फेंकेंगे भी नहीं। हमारे अबू तो जब दो तीन दिन मेहमान नहीं आते थे वो हमें डांटते थे फिर कि आप लोगों की वजह से मेहमान नहीं आ रहे, आप लोग बेजार होते हो, खुद बोर हो जाता है। एक हफ्ते तक मेहमान नहीं आते थे अबू खुद बीमार हो। खाने में बहुत अच्छी है लेकिन इसका जो पकने का अंदाज़ है ना इस हिसाब से थोड़ा घबराहट सी हो रही है। कच्ची कच्ची लगती है ये, खाने में तो सही है। बनाए बहुत अच्छा सर, मुझे अच्छा नहीं लगा। अफगान जलेबी मुझे याद नहीं है बस इतना। बस हाँ दा रोजी से खाने में तो मुसाबी सा खड़ा उस हाँ दाव से खाने मुस्तना बिरा गिरी आ रहा हंसी करना उस। इसका नाम है शीरयाख। खमी तो इसको बोलते हैं ना, ये किशमिश और बादाम। शीर माना पश्तो में दूध को। ये क्या है? ये नाक सफाई कर चम्मच तो कम और ये दान। चीज जब अच्छी है तब चम्मच कितना आया देख, एक उंगली जितना। ओ पठान मामा वा पठान मामा, ये गाना बनाए हमारे विरोही लड़के ने गाना बनाए। और ये आइसक्रीम क्यों पिघली है इसका मकसद आपको सुनाया, हम बातों में थोड़े उलझ गए थे, नहीं बातों में लग गए थे हम, गुफ्तगू ज़्यादा चल गई हमारी। गुफ्तगू बात गिछे में गिरा से ना देखिए खाना सीन मच खराब है ना झट के। अब बिल्कुल सुकून हो रहा है, हाथ डेढ़ी जोड़ी बस गिछे में गिरा सीधा। जबरदस्त है भाई, बेहतरीन। अफगानिस्तान में वैसे भी खुश फ्रूट बहुत ज़्यादा है, यह और मज़ा देगा फिर खाने में तो बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान मैं समझता हूँ पाकिस्तान बनने से पहले का मुल्क है, तो उसके लाजमन खाने भी अपने वजूद के होंगे ना। नान पाल नान बाज किन जोड़ के दार तरती बनना कपन पनीर का था वो यका दही का था यका नाना पाल नान शीलाल चमोड़ा जोड़ मरे छक्की दमोड़ा जोड़ मरे खुरू दमोड़ा जोड़ मरे
अफगानिस्तान का जो कौमी खेल है वो बुसखाशी है। मुर्दा बकरा होता है या ज़िबह किया हुआ, उसको उठाकर मंजिल तक पहुंचाना, जो कोई दूसरे से पहले उसको पहुंचाएगा वो जीत जाएगा। हमारे तो ऐसे नहीं, कैंचे खेलते हैं और छुप छुपे खेलते हैं, ऐसे ऐसे बांध के फिर ऐसे ऐसे नसीबा कहाँ बैठी ऐसे करते करके आइसक्रीम खा के देखा नना कबाइली इलाके दौलू मुस्तना अला के खुशी मसका खुशी न टीमा जन्न नाका जन्नत नवार उल्ली असननी बड़ा दाव पुल शोषण करे ना जेबा जोड़ करे न तो बुढ़ा ना जन्नत नवार ना ना कुड़ा खस मिला खाओ हर कल तेज सस कट्टा का हर कल कमजोर सस फल तम का मैंने दारे वाली ना आ सक आके बंद करके भी सूंगलू भी फिर यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ ये वाला अभी खाया, इसमें थोड़े बादाम वादाम किशमिश ये पठानों के तरीके डाले हुए हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आइसक्रीम से तो किचनो मोन छावर से बाद किचनो मैंने ख़त्म कर दिया भाई। भाई बेहतरीन ज़बरदस्त ऐसे लग रहा था मैं अफगानिस्तान गया हूँ, वहाँ पे घूम रहा हूँ उनकी गलियाँ और इन्जॉय कर रहा हूँ वहाँ पे। ऊना खुराक नना खुराक क्यों फ़र्क है, ऐसा लग रहा है जैसे जान पहचान हो इन खाने से हमारी। शायद अफगानिस्तान का भी सूरज तो गुरूब हो चुका है लेकिन शायद अच्छे दिन का सूरज तुलू हो जाए और वहाँ पे रोशनाई रोशनाई हो, अच्छे दिन आ जाए वहाँ पे। हर जगह से हर बंदा दुआ करे लो, खुल मुल्क का दुआ करे लो कि अल्लाह पाक अफगानिस्तान आंदा मुसीबत मुल्क नंदा सा इन्हान पाक को जागे इन्हान एड़े उन्हें दुआ कर लो, गुड़ की दुआ कर लो, कश्मीर की दुआ कर लो, अल्लाह उफ्ता मुसीबत मुर्के दावतान मुर्के हम गरीबा था अल्लाह पाक हिफाजत है। हम एक औरतों के लिए स्कूल का प्रोग्राम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप हमें उसमें सपोर्ट करें जिसमें उनके लिए यूनिफॉर्म किताबें कापियाँ और बुक्स की ज़रूरत है। हम जल्द उस स्कूल को रनिंग कंडीशन में लाएंगे और आप हमारी मदद करें, आपकी बहुत मेहरबानी। का संगत आदा बाद बाद मेहरबानी ना शुक्रगुजार हूं उफ्ता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक करें, बेल का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते।